एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थलपति विजय की मच अवेटेड वारिसु के थर्ड सिंगल के बारे में। अब इससे पहले फर्स्ट और सेकंड सिंगल आपको पता ही होगा कि आ चुका है, उस पर कोई इन्फॉर्मेशन या फिर उसका रिव्यू वगैरह मेरे चैनल पे नहीं आया क्योंकि उस टाइम पे वीडियोस नहीं बन रहे थे। लेकिन अब से क्योंकि वीडियोस वापस से आना शुरू हो गए हैं तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को वापस से अगर आपने नहीं किया है, और अगर किया हुआ है और चैनल चेक नहीं कर रहे हो तो वापस से इस चैनल से जुड़ जाओ क्योंकि हम वापस आ चुके हैं। अब आप लोग भी वापस आ जाओ और हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड सिंगल ऑफ वारिसु, यानी कि द सोल ऑफ वारिसु। इसको अभी आप देख रहे हैं पोस्टर जिसमें कि उनको वापस आते हुए दिखाया जा रहा है। द सोल ऑफ वारिसु द बॉस रिटर्न्स, इसका जो टैगलाइन है उसको काफी जस्टिफाई करता है। अब पहले जो दो गाने आए हैं रंजीता में वो हमको ठीक ठाक सा गाना लगा, और लेकिन थी थलपति जो गाना था वो हमको बहुत ही अच्छा लगा। इवन दो उसमें कोई भी मूवी के विजुअल्स वगैरह कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी वो गाना जब मूवी में आएगा और जब मास सीन्स में बजेगा प्रॉपर मास टाइप का वो एक टच देता है वो गाना। अब देखते हैं ये वाला द सोल ऑफ वारिसु है जिसमें कि डेडिकेटेड टू यू अमन इसमें लिखा हुआ है, यानी डेडिकेटेड टू ऑल द मदर्स होने वाला है ये सॉन्ग। तो देखते हैं किस तरह पे होता है स्टोरी को लेके और बहुत किसी कुछ चीज़ों को लेके। बहुत सारा अभी भी क्यूरियोसिटी है मन में क्योंकि ऑब्वियसली टीजर ट्रेलर कुछ वगैरह आए नहीं है। अब बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि टीजर या फिर ट्रेलर कोई एक ही चीज़ आएगा, और वो भी हमको लगता है कि अब जनवरी के स्टार्टिंग में या तो क्रिसमस में आने का चांस हमको कम ही लग रहा है, लेकिन न्यू ईयर्स पे ही हम लोग को इसका जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो देखने को मिलेगा। अब कल शाम के 5 बजे ये जो गाना है वो रिलीज होने वाला है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या ग्लिम्सेस होते हैं मूवी के, क्या क्या सीन्स वगैरह क्या क्या देखने को मिलता है हम लोग को इस, क्योंकि सोल है तो हमको लग रहा है एक जर्नी सॉन्ग या फिर थोड़े मूवी के विजुअल्स वगैरह इसमें होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और 12th of January संक्रांति पे ये फिल्म निकल रही है पोंगल पे, और मेगा क्लैश होने वाला है तमिलनाडु में थलपति एंड थला यानी कि वारिसु और थुनिवु के बीच में। अब ऑब्वियसली ये फिल्म जो है हिंदी में रिलीज हो ही रही है, हम तो यही चाह रहे हैं कि जब टीजर या फिर ट्रेलर जब भी निकले तो एक पैन इंडिया लेवल पे निकले, यानी कि उसका हिंदी ट्रेलर भी या हिंदी टीजर भी साथ में निकले। हालांकि उसका चांस हमको कम ही लग रहा है। अब इसका जो परफॉर्मेंस होगा हिंदी में वो देखने वाला बात होगा, क्योंकि जब मास्टर निकली थी थलपति विजय की तो उस टाइम पे मतलब खुल ही रहा था मार्केट और कोविड का स्केयर सब कुछ था, तो उतना ज़्यादा नहीं चल पाया था हिंदी बेल्ट में। और जब बीस्ट निकली थी रॉ तो उस टाइम पे तो मॉन्स्टर सामने खड़ा था KGF चैप्टर 2 के, तो हिंदी में उसके कारण काफ़ी ज़्यादा मतलब नहीं चल पाया और बहुत ही कम कलेक्शंस आए थे उसके भी। अब यहाँ पे एक प्रॉपर मौका है क्योंकि पूरा मैदान साफ है, पूरा मैदान खाली है, कोई भी वैसा फिल्म नहीं निकल के आ रहा हिंदी मार्केट में। अर्जुन कपूर और विशाल भारद्वाज की जो फिल्म निकल रही है नसीरुद्दीन शाह तब्बू, बहुत लोग हैं उसमें, उसका ट्रेलर शायद कल ही आने वाला है, वो कुत्ते उसका टाइटल है, तो वो जो फिल्म है वो ज़रूर होगी। बट वो अगेन एक ऐसा फिल्म होगा जो कोई एक सेलेक्टेड ऑडियंस के लिए टारगेटेड रहता है वो फिल्म, उस टाइप का फिल्म। तो अब देखते हैं कि इसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से यहाँ पे सेटअप करने के लिए एक अच्छा खासा बेस, और उसके बाद जब थलपति 67 निकलेगी तो जो एक्सप्लोजन होगा वो फिर प्रॉपर मतलब फुल फ्लेज एक्सप्लोजन होगा थलपति विजय का हिंदी में मास बेल्ट्स में। सो आपका क्या ख्याल है इन सबके बारे में जरूर बताना, कितने एक्साइटेड हो आप थर्ड सिंगल ऑफ वारिसु के लिए कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया दबा के शेयर कर दो, लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आए आपसे मिस नहीं हो। कुछ और बात करनी, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।